हेलो गाइस, आज हम अपने गांव आए हैं और मेरे दादाजी बहुत सारी जड़ी बूटियों के बारे में जानते हैं। और अब जो वीडियो आएगी आपको, बीच बीच में गांव आती रहूंगी तो आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आप जो भी जड़ी बूटी बताते हैं अगर आप उसका प्रयोग करते हैं, हम लोग भी करते हैं। आप देख सकते हैं हम लोग बहुत चीज़, जैसे हम लोग को ग्लो, आपको मैं अंग्रेजी दवाई वो ही बताती हूँ जो काम की होती हैं और वो ही प्रोडक्ट का रिव्यू देती हूँ जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ। और जो मेरे दादाजी ने बताई हैं आपको, वो हम लोग यूज़ कर चुके हैं। तो आपको प्लीज़ आप अपनी मेरी वीडियो देखते रहिएगा और जो हम लोग बताते हैं उसको प्रयोग करिए। और अगर आपको उससे आपको आराम मिल रहा है और आपके लिए यूज़फुल है तो हमें कमेंट करके बताएं। आज मैं जिस चीज़ का रिव्यू देने वाली हूँ वो है एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा का, जो कि मैं गांव आई हुई हूँ तो मेरे खेत में लगे हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यूज़ करती हूँ तो आपको ही बता दूँ इसका यूज़ और ये किस किस चीज़ों में फ़ायदेमंद होता है। वैसे तो ये दिखने में एक साधारण सी चीज़ है जो, लेकिन इसके काफ़ी फ़ायदे हैं जिससे हम अनजान हैं। और मैं भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी, इसके बारे में मुझे मेरे दादाजी ने बताया है कि इसके क्या फ़ायदे होते हैं। चलिए उन्हीं से जानते हैं कि एलोवेरा के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। वैसे इसको गांव में इसको गमार पट्टा के नाम से जानते हैं। मैं तो पहले गमार पट्टा, पर अधिकतर लोग इसको एलोवेरा के नाम से जानते हैं। तो आप कंफ्यूज मत हुईगा, अगर कोई गमार पट्टा बोला तो वो भी एलोवेरा ही होता है। जेवा खेती कर रहा हूँ तो जेवा के एलोवेरा लगाया, तो एलोवेरा के गुण इतने हैं कि उसके सवेरे खाली पेट, रात को या सुबह शाम को उसका काट कर रख दो एक पत्ता, चार अंगुल का पत्ता आप रोज़ सवेरे खाइए और चेहरा में लगाइए, हाथ गोड़ों में लगाइए, उससे तुम्हारा चेहरा ठीक रहेगा, पेट ठीक रहेगा। और यह एलोवेरा के बहुत बड़े काम हैं, उसको रोज़ लेना चाहिए। तो एलोवेरा एक चीज़ अकेले में नहीं, वो सैकड़ों चीज़ों में काम करता है। जहाँ अपने पेट के अंदर पहुँच गया तो जितनी मशीनरी है, खून की संचालन है, बस सब शुद्धिकरण में रहता है। तो जो गाय का शुद्ध घी है वो शुद्ध घी के बराबर आपका एलोवेरा है। चाहे आप शुद्ध घी खा लीजिए और चाहे एलोवेरा का जूस ले लीजिए या पत्ता का जो रस है उसके ले लीजिए। और तो एलोवेरा बहुत कीमती चीज़ है, हर घर में रहना चाहिए। तुलसा, एलोवेरा और ग्लोय,